Good morning, student. Today we shall read lesson number first from your book supplementary, The Lost Child. In this lesson, a little boy goes to the fair with his parents, and he was fascinated by so many things in the fair. He wanted to buy many of them, but he was denied by the parent, especially his father. And later, the boy is lost somewhere in the fair. There was much crowd, and he was found by a strange person, unknown person, and he started weeping. The man tried to soothe him and offered him those things which denied his father, but the little boy, which a little boy wanted to buy. But this very child does not accept these things and rejected his offer and started sobbing. Why does the little child deny the very things which he wanted to buy earlier when his father was with him? So let's see what happened with him. A child goes to fair with his parents. Ek bachcha apne mata pita ke sath fair mein jata hai. He is happy and excited and wants sweets and toys displayed there. Bada khush tha bachcha aur excited tha, uttejit tha, and wants aur chahta tha sweets, mithaiyan aur toys, khilone displayed there, jo wahan pe displayed kiye gaye the, wahan pe jo dukan wagaira thi, jahan pe shops the fair mein, wo laga rakhe the, displayed kar rakhe the, प्रदर्शन कर रखा था जो चीज़ों का, टॉयज वगैरह का. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स उन चीज़ों को जो वो ही वांटेड टू बाय उनको डिनाई कर देते हैं. डोंट बाय दोज थिंग्स फॉर हिम. व्हाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम. लेकिन वही चीज़ें जब कोई अन्य व्यक्ति उसको ऑफर करता है तो डिनाई क्यों कर देता है? लेट्स सी इन दिस लेसन. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एले एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. स्प्रिंग वेदर था वहाँ पे, पतझड़ का मौसम, बसंत ऋतु. फ्रॉम द विंटरी शेड ऑफ नैरो लेन्स, और तंग गलियों से, विंट्री सेड से, जो कि सर्दी की जो छांव थी वहाँ पे गलियाँ तंग थी. एंड एले इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, और उस रास्ते से जो तंग रास्ता था उससे एक इमर्ज्ड कम इंटरव्यू दिखाई देते, अपीयर होते. क्या? एक गेली क्लैड, एक खुश, हैप्पी, गेली हैप्पी, क्लैड एक सजा हुआ बच्चा, वेल ड्रेस्ड. ह्यूमैनिटी एक मीन्स इंसानियत, यानी कि बच्चे के लिए राइटर ने, द राइटर हैज़ यूज्ड ह्यूमैनिटी फॉर द किड, कि एक सजा हुआ, सज दज के जो बच्चा आ रहा था वो तंग गलियों से होता हुआ अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे आता है मेले में. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ पैदल आ रहे थे, कुछ घोड़ों पे. अदर सेट बीइंग कैरीड इन बेम्बू एंड बुलो कार्ट्स, कुछ जो बैलों की गाड़ियाँ होते हैं उनमें आ रहे थे, कुछ पैदल आ रहे थे मेले में. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के पैरों से निकलते हुए ब्रिमिंग ओवर विद, भरा हुआ था खुशी से, विद लाइफ एंड लाफ्टर, जीवन से खुशी से भरा हुआ, मेले को देखकर ओवरवेलमिंग था, एक्साइटेड था, एक्सट्रीमली हैप्पी था वो बच्चा, अपने पेरेंट्स के पैरों से निकल के वहाँ पर अपीयर हुआ. कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने कहा कि बच्चे आओ. एज लेग बिहाइंड, जो ही वो बच्चा पीछे रहता, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे आ जाओ. जैसे बच्चे जनरली मेले में जाते हैं, दे स्टार्टेड लुकिंग द टॉयज एंड अदर अट्रैक्टिव थिंग्स, तो वो पीछे रह जाता, लेग बिहाइंड. फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे आ जाओ. द कॉल्ड द चाइल्ड एवरी नाउ एंड देन, फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स,
दैट अलाइन द वे. फैशिनेटेड अट्रैक्टेड हो गया था बच्चा किन से, जो टॉयज वगैरह थे लाइंड अप जो शॉप्स वगैरह में एक लाइन में लगा रखे थे. ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल. वो फिर बच्चे हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स जल्दी से अपने पेरेंट्स के पीछे भागता क्योंकि वो लेग बिहाइंड पीछे रह जाता था. हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल और उसकी जो फिट मीन्स ओबीडियंट जो हुई उसके पेरेंट्स एज सून एज दे कॉल हिम ही स्टार्ट्स रनिंग. तो ये फिट्स ओबीडियंट थी मीन्स उसको जैसे कहते वो भाग लेता. His eyes still lingering on the receding toys. उसकी आंखें अभी भी घूम रही थी receding toys जो पीछे toys रह रहे थे उनकी तरफ देखते देखते वो बच्चा आगे बढ़ रहा था. As he came to where they had stopped to wait for him, as he came to where और वो वहाँ पे गया जहाँ पे they had stopped वो रुके हुए थे उसका wait करने के लिए बच्चे का उसके parents, he could नोट सपोज द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट और अपने दिल की जो भावनाएं थी हार्ट्स डिज़ायर उसको दबा नहीं पाया सपोज नहीं कर पाया. इवन दो ही वेल न्यू जबकि उसको अच्छे से पता था क्या द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज. ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इनकार करने की जो इनकार भी कैसे घूर के उसको धमका के रिप्रीमेंट करके स्कोल्ड करके वो ओल्ड गोल्ड स्टेयर को वो जानता था कि पेरेंट्स दिलाएंगे नहीं उसको मना करेंगे दे विल रिफ्यूज हिम फ्रॉम बाय दैट टॉयज और द अदर थिंग्स विच यू वांटेड टू बाय इन द फेयर. आई वांट दैट टॉयज ही प्लेडिट उसने कहा कि मुझे वो टॉय चाहिए प्लेडिट कहा सेड. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड एंड हिज फैमिलियर टेरेंट अवे. टिरंट वे मीन्स क्रूर ढंग से तरीके से उसके पापा ने उसको घुरा. फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड आंखें लाल करके मीन्स उसको घुरा के ही इट मीन्स ही डिड नॉट वांट टू बाय थिंग्स फॉर हिम. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड. लेकिन उसकी मदर थी वो द्रवित थी सॉफ्ट हार्टेड थी और उसको अपनी उंगलियां पकड़ने के लिए कह रही थी कि ताकि उनके साथ चल पड़े. सैड उसने कहा क्या लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू. देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है. इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. मस्टर्ड सरसों के खेत जहाँ पे फ्लावर वगैरह होते हैं सरसों के पौधों में प्लांट्स पे उनको देखो. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. वो दूर तक फैले हुए थे मानो सोना पिघल रहा हो. मेल्टिंग लाइक मेल्टिंग गोल्ड मानो सोना पिघल रहा हो और वो दूर तक समतल भूमि पे वो जो मस्टर्ड जो प्लांट्स थे वो फ्लावरिंग था उसके ऊपर फूल वगैरह आ रहे थे जो येलो कलर्स के होते हैं वो दूर तक समतल भूमि पे फैले हुए थे मानो सोना पिघला हुआ हो. ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. अब जो ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज जो बड़ी मक्खियाँ होती हैं ड्रैगन विशालकाय वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देर गड़ी चमकीले अपने पर्पल कलर के जो विंग्स थे उनके साथ उड़ रही थी वहाँ पे और इंटरसेप्टिंग रोक रही थी द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक और बटरफ्लाई बटरफ्लाइज और जो बाकी जो मक्खियाँ थी बड़ी उनके रास्ते को रोक रही थी इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. फ्लावर जो फूलों के अंदर जो स्वीटनेस थी मीन शहद था हनी था उसकी तरफ बढ़ रही थी और बाकी बटरफ्लाइज को वो रोक रही थी ड्रैगन फ्लाइज. द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज. अब बच्चे ने वो देखी बटरफ्लाइज वगैरह जो उनको गेज किया लुक्ड उसको देखा फिक्स्ड आइज स्टेयर किया टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट. जब उनमें से एक स्टिल होता है शांत हो गई वो बैठ गई रेस्ट लिया उसने मीन्स बटरफ्लाई वगैरह ने एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट और उस उनको पकड़ने की कोशिश करता जो वो बैठती और वो उनको बच्चा धीरे से चुपके से क्वाइटली और उनको पकड़ने की कोशिश करता बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लिपिंग अप इनटू द एयर. लेकिन जो ही वो बच्चा पास आता उनके एज सून एज ही कम नियर दीज बटरफ्लाइज एंड
फ्लाइज वो उड़ जाती एकदम से फ्लैपिंग करके हवा में। When he had almost caught it in his hand, जब लगभग वो पकड़ने की नज़दीक आता, जैसे काफ़ी नैरो एस्केप रहता इनका, तो वो उड़ जाते, फ्लाई कर जाते। Then his mother gave a cautionary call, फिर उसकी मम्मी ने एक सचेत करने वाली कॉल दी, उसको पुकारा, Come child, come on to the footpath, footpath होता है पगडंडी, एक नैरो वे, कि बच्चे आ जाओ इस रास्ते पे आ जाओ जिस पे वो जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, फिर बच्चा दौड़ के उनके पास आता और walked abreast of them, कुछ समय तक उनके साथ साथ चलता, for a while, कुछ क्षण के लिए। Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, और वहाँ पे जो कीट पतंगे कीड़े मकोड़े थे उनकी तरफ बच्चा अट्रैक्ट होता, और वो क्योंकि विंट्री सीजन था, इट इज़ डिस्क्राइब्ड द विंट्री सीजन इन दिस स्टोरी, तो वो टिमिंग आउट बाहर निकले हुए थे सनशाइन लेने के लिए ठंड में, तो बच्चा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था इंसेक्ट और वर्म्स की तरफ। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रू वेयर दे हैड सेटेड देमसेल्फ ऑन द ईज ऑफ ए वेल। अब वो जो पेरेंट्स थे उन्होंने वहाँ से पुकारा, शेड ऑफ द ग्रूस, पेड़ों के जो झुंड होता है वहाँ बैठे थे, और वेयर दे हैड सेटेड देमसेल्फ ऑन द ईज ऑफ वेल, कुएं के किनारे बैठ के जहाँ पे एक पेड़ों का झुंड था नियर द वेल, वहाँ पे बच्चे, वो पेरेंट्स बैठ के बच्चे को बुला रहे थे। He ran towards them, फिर बच्चा दौड़ के उनके पास आता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जो ही पेड़ों के झुंड के पास बच्चा आया, क्या हुआ? A shower of young flowers fell upon the child. फूलों की बारिश बच्चे के ऊपर हो गई, गिर पड़े उसके ऊपर, मानो बारिश हो रही हो। And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. जो फूलों की बारिश हो रही थी उसका बच्चा एंजॉय करने लगा और अपने पेरेंट्स को भूल गया। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, भूलते हुए अपने पेरेंट्स को, ही बिगेन टू गैदर, इकट्ठे करने लगा जो फ्लावर्स के ऊपर गिर रहे थे उनको, उनके पंखुड़ियों को। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव, द डव। अब बच्चे का ध्यान उस तरफ गया, एक डव जो फाख्ता बर्ड्स होता है उसकी तरफ, कूइंग वो अपनी आवाज़ निकाल रहा था, साउंड ऑफ द बर्ड्स, डव के जो साउंड की तरफ ध्यान गया और रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स की तरफ दौड़ते हुए कहा, शाउटिंग चिल्लाया, डव डव, ये फाख्ता पक्षी है जिसको देखो। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अब जो ही बच्चे का ध्यान बर्ड्स पे गया और शाउटिंग करता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ वो दौड़ा, तो उसने फॉरगॉटन हैंड्स, उसके हाथों में क्या है वो ये बात भूल गया, और जो पेटल्स ऑफ फ्लावर्स थे जो उसके हाथ में थे, उसने गैदर किए थे, वो उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं। फॉरगॉटन हैंड, बोलने वाले हाथ में, उसके हाथों में क्या है, ही फॉरगॉट टू सी द बर्ड्स डव। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड हु हैड नाउ गोन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्रीज। अब जो बच्चा था, कॉल्ड द चाइल्ड, उसने पेरेंट्स ने बच्चे को बुलाया, हु हैड नाउ गोन रनिंग, जो कि दौड़ता हुआ जा रहा था, इन द वाइल्ड कैपर्स, जंगली जो बेले होते हैं उनकी तरफ, राउंड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के जो चारों ओर उन्होंने जो सर्कल सा बना रखा था, केपर्स जो बेले थे उन्होंने, गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फील्ड, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड के से होते जाने से पहले जो क्या था, गैदरिंग उनको इकट्ठा करने लगा, बेलों को भी जो बरगद के पेड़ के चारों ओर फैली हुई थी। वाइंडिंग फुटपाथ, जो घुमावदार रास्ता था, विच लेड टू द फेयर, जो फेयर की तरफ, मेले की तरफ जा रहा था, जो कि सरसों के खेत से होते हुए जाता था। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ फेयर एंड ऑफ फेल्ट एट वंस रिपल्ड एंड
fascinated by the confusion of the world he was entering. As they neared the village, जो ही वो गांव के जहाँ मेला वहाँ पे फेयर था उसकी तरफ गए, child could see many other footpaths, बड़े सारे रास्ते देख सकता था full of throngs, जो भीड़ से भरे हुए थे, वहाँ से crowd थे काफ़ी मेले की तरफ जो कि मूव कर रहे थे. Converging to the whirlpool of fear, जो कि एक ही दिशा की तरफ जा रहे थे चक्कर घूम के मेले की तरफ. And felt at once repelled, और एक डिस्ट्रैक्टेड सा हो गया, मतलब डर सा गया. Fascinated by the confusion of the world he was entering, और जिस नई दुनिया में वो जा रहा था उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा था और उससे वो घबरा भी रहा था, डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था, repelled हो रहा था. A sweet meat a seller hawked, एक मिठाई वाला, hawk means crying, चिल्ला रहा था, shouting. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबीज एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. एक मिठाई वाले की दुकान जो कॉर्नर पे थी, एंट्रेंस ऑफ द फेयर, उस पर बड़ी क्राउड गैदर थी वहाँ पे, और जो स्वीट्स थी उसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड के लीव्स जो होते हैं वो लगा रखे थे. बड़े आर्किटेक्चर, बड़े तरीके से एक अट्रैक्टिव वे में उन्होंने अपनी जो अरेंजमेंट ऑफ स्वीट्स वहाँ पे कर रखा था फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द स्वीट्स, और देयर वर ह्यूज गैदरिंग अराउंड द शॉप. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट्स. अब जो ही एज सुन एज द चाइल्ड सा द स्वीट्स बर्फी विच वॉज हिज फेवरेट डिश, उसके मुँह में पानी आ गया, हिज माउथ वाटर्ड. आई वॉन्ट दैट बर्फी ही स्लोली मर्मर्ड, वो अंदर ही अंदर बुदबुदाया कि मुझे वो बर्फी चाहिए पेरेंट्स को. बट ही हाफ न्यू, उसको आधा तो ऑलरेडी पता था. एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसको आता तो पहले ही पता था कि उसकी प्लीज, उसकी बात है वो वुड नॉट बी हीडेड, मीन्स उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे बड़ा लालची बच्चा है तुम. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना इंतजार किए अपने पेरेंट्स के आंसर का वो आगे बढ़ गया. ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, अब एक फ्लावर सेलर नेक्स्ट शॉप आते स्वीट्स से आगे, फ्लावर सेलर के जो चिल्ला रहा था. ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर, गुलमोर की जो मालाएं, चिल्ला रहा था फ्लावर सेलर, फूल विक्रेता. द चाइल्ड सीम्ड रेसिस्टिबली होता है रोक पाना, इरेसिस्टिबली उसको रोक ना पाए. अनेबल टू कंट्रोल हिज फीलिंग ही वॉज, द चाइल्ड वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिज फीलिंग, ही वॉज ड्रॉन अट्रैक्टेड हो गया किसकी तरफ, गार्लैंड ऑफ गुलमोर. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, फूलों के बास्केट की तरफ गया और बुदबुदाया. आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज्ड बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड सी दैट दे वर चीप. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तब उसको आधा ऑलरेडी पता होता था, ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, उसके पेरेंट्स को मना करेंगे चीज़ खरीदने से, दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से, वो कहेंगे क्या, दैट दे वर चीप, वो बड़े सस्ते किस्म के हैं, घटिया है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना इंतजार की आंसर का, ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ता गया. सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, The lost child. Till then, keep practicing, keep learning. May God bless you all. Have a great day.